ये बोलेगा आपको आप आए सामने आए हमारा साथ है इनका साथ है हम सब मिलकर इनके साथ रहे ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप 30 लाख की बात करते हो 50 लाख लगाकर वो उसका वो बंद कर दिया वो गैर निकास अशोक शर्मा जी जीवन बागी साहब दत्ता साहब सोन सिंह जी मेरे बुजुर्गों जैसे हमारे यहाँ पर सरपंच मेहता जी हैं या और दूसरे सभी का नाम लेना साथी भाई और मेरी बहनें टीम को आवाज कर सकते हैं और जब चाहिए से कोई कंडीशन नहीं थी कि ये बेच नहीं सकते। लेकिन कुछ देर अरसा पहले वक्त की गवर्नमेंटें बदल जाती हैं अपने अपने कानून अपने को किसी को बेनिफिट देना होता है कुछ कर लेते हैं। ये हमें पाबंद कर दिया गया कि ये जो 254 सी के मुताबिक जो ज़मीन है स्टेट लैंड इसको हम बेच नहीं सकते। तो हम इस जो एक्ट है जो ये एक कानून है इसकी हम पुरजोर तक करते हैं निषेधी करते हैं। हम ये गवर्नमेंट से चाहेंगे कि ये जो आर्डर है ये प्रवोक किया इस आर्डर को रद्द किया जाए और हमारे लोगों को राइट दिया जाए क्योंकि किसी के पास दो कनाल है बताया गया चार कनाल जमीन है बच्चों की परवरिश करनी है पढ़ाई करनी है बच्चों को कहीं शादी करनी है बच्चों की तो यही जमीन जो हमारा एक पास यही है ना तो हमारे पास कोई रोजगार रहा ना यहाँ इंडस्ट्रियल कुछ ऐसा बंदोबस्त है पुंछ में यही जमीने हैं जिसके आसरे पर हम बच्चों को पढ़ा के शादी कर सकते हैं। तो हम ये गवर्नमेंट से पुरजोर एक दरख्वास्त नहीं बल्कि एक इल्तिजा करेंगे दरख्वास्त करेंगे और प्रोटेस्ट के तौर पर कि ये जो जो ऑर्डर जिसके मुताबिक इन्होंने कहा कि हम सेम जमीनें बेच नहीं सकते इसको प्रवोक किया इसको वापस लिया जाए। उसके बाद यहाँ लोकल लेवल पर भी मैं आपको थोड़ा सा 1917 की तरफ आज अब हमारे पास समय भी नहीं होता ये हमारा वक्त भी नहीं है। जब ये 5.5 लाख रुपया अलाट हुआ कुछ लोगों को आया पैसा पहली किस्त में मैं याद करूंगा आपको उसमें लोगों ने 10-10, 5-5 हज़ार रुपया दिया। फिर यहाँ वो फॉर्म जो था फॉर्म भरने के लिए तहसील में लोग जाते थे वकीलों के पास 50-100 रुपया देते थे। जब हमने ये चीज़ देखी कि हमारे लोग गरीब हैं वो सही क्यों 50-100 रुपया दे बरकत सिंह जी से बात की और मेरे साथ मैं साथ रहा बरकत सिंह जी के वो मेरे से बड़े हैं हम तहसीलदार से बात की क्योंकि हमारी उस वक्त अप्रोच होती तहसीलदार के पास की थी हम तहसीलदार के पास बैठे कि ये जो तरीका है आप फार्म दें हम लोगों के फार्म त्रिलोक सिंह तारा शहर जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी पुंछ आज हमने एक जनरल मीटिंग जो थी वो कॉल की थी रिगार्डिंग हमारे रिफ्यूजी शरणार्थी की कुछ डिमांड जो थी दरीनाज डिमांड जो हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये डिमांड जो हमारी जो है पहली डिमांड जो है वो है कि 5.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने सेटलमेंट के लिए दिया था रिफ्यूजीज़ को लेकिन अभी तक हमें 21-22 हज़ार आदमियों को मिला है जबकि हमारी संख्या फैमिलीज जो हैं टोटल 26,319 हैं। हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एलजी साहब से ये पुरजोर हमारी एक डिमांड है एक दरख्वास्त है कि जो बाकी पेंडिंग लोग जो हैं जिनका अभी तक पैसा रिलीज़ नहीं हुआ तो वो उन पैसे 2-3-4 हज़ार आदमी जो हैं उनको उनका पैसा उनकी फाइलें जो हैं वो पूरी हो गई हैं उसको देखी गई है वो पास हैं नंबर उनको अलाटमेंट है लेकिन उनका पैसा रिलीज़ नहीं हुआ उसका मैनेज किया जाए सेंटर से पैसा दिया जाए उन लोगों को पैसा दिया जाए। दूसरा हमारी जो स्टेट लैंड जो है रिफ्यूजीज़ को हक दिया गया था तो ये प्रॉपर्टी राइट के मुताबिक ये इनको पूरा हमें हकूक दिए गए थे लेकिन आज लेटेस्ट ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि ये रिफ्यूजी जो है ये ज़मीन को बेच नहीं सकते। जब ज़मीन हमारी है गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट्स हमको दे दी है तो ये इस ऑर्डर की हम इस ऑर्डर को फोर्थ विद इसको विदड्रा किया जाए और लोगों को परमिट किया जाए कि ये लोग अपनी ज़मीन छोटा मोटा काम जो है काम चलाने के लिए शादियाँ या बच्चों को पढ़ाने के लिए वो काम कर सकें। इसके अलावा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके हेड थे नायडो साहब जो कि हमारे डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं
उन्होंने एक कमेटी में रिपोर्ट दी थी कि 30 लाख रुपया मिनिमम रिफ्यूजीज 1947 जो डिस्प्लेस पर्सन है उनको दिया जाए, उसके साथ में उनको रिजर्वेशन बच्चों को टेक्निकल कॉलेजेस में और दूसरा उनको जो नौकरी में दिया जाए सेंट्रल सर्विसेज में, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। जबकि दोनों पार्लियामेंट्स में लोअर और हायर, लोकसभा में और राज्यसभा में ये पिकअप किया गया है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पुरजोर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पैसा जो उनकी सफारिशें हैं, जो उनकी रिकमेंडेशन से उनको फोर्थ विद को उनको हल किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। 30 लाख रुपये जो हमारा बनता है और हमारी जो प्रॉपर्टीज जो है 1947 में पाकिस्तान में रह गई हैं उनकी असेसमेंट की जाए और असेसमेंट करके जो हमारा वहाँ पर पैसा जो बनता है, जैसे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को किया गया है या